पीलूपुरा शहीद स्थल पर पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी 17/5/2023 से धरने पर बैठे थे, जिन्हें बैठे हुए छठवां दिन चल रहा है, जिनको 80 गांव नेहरे क्षेत्र द्वारा पूर्ण समर्थन दिया गया है। धरने पर बैठे रीट 2018 के 372 अभ्यर्थियों से मुलाकात करने विभिन्न गुर्जर नेता पीलूपुरा धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। आज आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य साहब सिंह अड्डा, एसपी सिकंदरा, राजवीर बड़ागांव, रूप सिंह, विश्वेंद्र गुठाकर, रणवीर गुर्जर, विशाल दौला, लक्ष्मण देवासी जोधपुर, मुकेश सालावत, पीकेश गुर्जर, बलराम खटाना, राजीव दोसा, गजेंद्र नगर आदि मौके पर पहुंचे। वहीं संघर्ष समिति के लोगों ने 23 तारीख को पीलूपुरा धरना स्थल पर पहुंचने के लिए पीले चावल एवं पैम्पलेट्स वितरण किए। तेहतर वीर गुर्जर शहीदों को नमन करते हुए मैं एमबीसी सर्व समाज से ये निवेदन करता हूं कि कल 23 मई शहीद दिवस के उपलक्ष्य में यहां सुबह 8 बजे पीलूपुरा शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जिसमें सर्व समाज अधिक से अधिक संख्या में पधारकर 372 जो रीट वाले अभ्यर्थी हैं, इनकी मांग को लेकर के सब लोग समर्थन दें और इनकी मांग को मनवाएं। और मेरा सरकार से भी ये निवेदन है कि सरकार इस बात को हल्के में ना ले, इन 372 के साथ में संपूर्ण एमबीसी समाज है। और आप ये भी मत सोचना कि यहाँ संख्या बल कम है, आपको जहां 50 दिखेंगे वहां 50 लाख भी दिखने के लिए तैयार हैं। और आप लोग प्रशासन शासन सबसे मैं ये भी कह देना चाहता हूं, खुफिया तंत्र हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, यहां आप लोग ये मत सोचना कि कोई लोग नहीं है। यदि किसी ने इन बच्चों से छेड़खानी की, किसी भी समाज के बंदे से छेड़खानी की, तो जेलों को तोड़ देंगे, जेलों को भर देंगे। कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी।